वन वन नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आया रुद्र? टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, मतलब कितना आया? 12 आया, है ना। अब आपका पहला नंबर क्या है? माइनस का 9/6, ठीक है रुद्र। अच्छा, डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बताओ रुद्र, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा बेटा। 2 से अगर, हाँ, 2 से नीचे करोगे तो 2 ही से ऊपर करना पड़ेगा, तो माइनस का 18/12। अब इसी का है -4/3, अब किसका मल्टीप्लाई करोगे के 12 बन जाए? किससे मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे 12 आ जाए? 4 से करोगे बेटा, नीचे बनाना है ना, नीचे बनाना है। माइनस का 16/12, ठीक है। अब देखो रुद्र, माइनस का 17/12 है, इसमें तो किसी का नहीं करोगे, 1 का करोगे, किसका करोगे? क्योंकि पहले से 12 लिखा हूं, हाँ, तो माइनस का 17/12, ठीक है ना। अब देखो रुद्र, हाँ, ध्यान से देखो, मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, असेंडिंग। सबसे छोटा नंबर बताइए कौन है, सबसे छोटा नंबर? नहीं, हाँ, वेरी गुड, माइनस का 18/12, फिर उससे बड़ा, माइनस का, फिर उससे बड़ा। अच्छा रुद्र, 18 किससे आया था आपका? 9 से आया था, और 17 किससे आया था? उसी से आया था। अच्छा, और ये 16 किससे आया था? -4 से आया था। बस हो गया, यही आंसर हो गया। देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इसको, देखो कर दिया कि नहीं करा। हाँ, अब देखिए आपको मैं सेकंड क्वेश्चन का एक और करवा रहा हूं, ठीक है, मतलब इसी का, ट्वेल्थ का एक करवा रहा हूं, ट्वेल्थ का मैं सेकंड बार फोर्थ वाला करवा देता हूं, ट्वेल्थ का फोर्थ। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। फोर्थ नहीं है, थर्ड है, क्या है? 3/-5, -7/10, कॉमा 8/-10, कॉमा -17/15। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके माइनस साइन को, जो नीचे माइनस साइन है उनको ऊपर लगाऊंगा, जिनके डिनोमिनेटर में माइनस साइन है मैं न्यूमरेटर में पहुंचा दूंगा। फर्स्ट वी राइट इट एज, हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, 3/-3/5, इसके नीचे माइनस था मैंने ऊपर पहुंचा दिया, -7/10, -8/10, -17/15, ठीक है, ये पहुंचा दिया। अब देखो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है ऑफ 5, 10, 10, 15। देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं 5, 10, 10, 15। पहले 2 से करेंगे, 5, 5, 5, 15। फिर 3 से करेंगे 5,
5, 5, 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1। अब देखिए एलसीएम क्या आया इनका, रुद्र क्या एलसीएम आया, 3 × 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 30 एलसीएम आया। ठीक है रुद्र, अब देखो हमें क्या करना है, एक एक करके सबके डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। पहले मैंने लिया -3/5, किसका मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, नीचे किसका करूं बताओ, नहीं 10 का नहीं, 6 का करेंगे, है ना, माइनस का 18/30। अब बनाना है -7/10 को, बताइए किसका करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, चरित्र कुछ नहीं बोल रहे हो आप, ठीक है, माइनस का 21/30, फिर है आपका माइनस का 8/10, किसका करेंगे, नहीं 3 का करेंगे, नीचे 30 बनाना है बेटा, अभी है ना, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं। हाँ देखो आगे देखो, देखो अब एक और बचा है, कौन सा बचा है, वो बचा है मेरा -17/15, इसमें भी करेंगे तो इसमें करेंगे 2 का, तो बन जाएगा -34/30। अच्छा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग, अच्छा डिसेंडिंग मीन्स होता है सबसे बड़ा से फिर छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है यहां पर, माइनस का, वेरी गुड, फिर कौन है, हाँ मतलब फिर छोटा छोटा, माइनस का 21/30, फिर कौन है, माइनस का 24/30, फिर कौन है, ये तो पहले से अरेंज थे हमें लगता है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 18 किससे आया है, 3 से आया, माइनस का 3/5, 21 किससे आया है, 7 से आया, माइनस का 7/10, हाँ, और 24 किससे आया, 8 से आया, माइनस का 8/10, और आपका 34 किससे आया, -17/50। ये देख लीजिए, ये आंसर है क्या, पीछे यही आंसर दिया है क्या, देख लो, हाँ यही है, ठीक है ना, अपना आंसर सही है, ओके समझ में आया। पहले आपको उनके माइनस, जहां जहां डिनोमिनेटर में माइनस लगे हैं उनको ऊपर लिखना है, उनका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, एलसीएम लेने के बाद सबके डिनोमिनेटर एलसीएम को बनाना है, सभी के डिनोमिनेटर को जो 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 एलसीएम आया वही बनाना है, फिर आपको क्या करना है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना, ओके। 13th वाला एमसीक्यू है, ठीक है ना, इधर लिखा है, वो बोल रहा है -3/6 लिखा है, उसका न्यूमरेटर 12 है, न्यूमरेटर 12 है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा बताइए, डिनोमिनेटर क्या होगा, अरे कोई बताओ, अच्छा 3 की टेबल में कितने बार पढ़े कि 12 आता है, 3 की टेबल 4 बार, तो 6 की टेबल कितने बार पढ़े, 6 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 24, लेकिन
इधर एक जगह माइनस लगाया, इधर तो कहीं पर भी माइनस नहीं लगाया, तो हमें एक जगह माइनस लगाना है। कहां लगा सकते हैं? नीचे लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे होगा? थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो सिक्स की टेबल फोर बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, 24 आंसर होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि इधर भी एक जगह क्या लगा था? माइनस लगा था, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 14th वाला, वो बोल रहा है कौन सा दूसरे के इक्वल नहीं है। देखिए, एक लिखा है माइनस का, फर्स्ट वाला क्या है? माइनस का 40/56। सेकंड बी वाला किसका है? 25/-35। सी वाला क्या है? माइनस का 7/5। अच्छा देखिए, इसमें एक माइनस का साइन, 15/21। देखो, इसमें एक माइनस का साइन, इसमें एक माइनस का साइन, इसमें एक माइनस का साइन, क्या इसमें कोई माइनस का साइन है? तो बस ये ही अलग है। सबसे अलग कौन है? ए वाला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो बोल रहा है कौन अलग है? ए वाला अलग है, ठीक है ना? नेक्स्ट 5th, देखिए बेटा, उसने लिखा, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटेन एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। कौन सा रेशनल नंबर डिनोमिनेटर 4 में नहीं लिखा जा सकता? अरे कोई बता ही नहीं। देखो नहीं, देखो मैं बता रहा हूं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्या किसी किसी नंबर से? इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से? इसको डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर, किससे कर सकते हो बताइए? नहीं कर सकते हो ना? हाँ, जब आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटेन एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। मतलब डिनोमिनेटर 4 में नहीं लिख सकते हैं। ए डिवाइड नहीं हो सकते, तो आप इसे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते है ना? किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ए डिवाइड हो सकता है क्या? हेलो, नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर ए भी, हाँ ए है, अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 4 आएगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, इसको हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक आंसर हमारा ए हो गया। इसको नहीं लिख सकते, इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं बना सकते, इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं बना सकते, लेकिन इसका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दोनों को 4 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा? 5। तो बना दिया मैंने 4। अब इसको 4, हाँ इसको मैं किससे कर सकता हूं? 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 7/8। तो इसको ए बन रहा है क्या? 4 डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन ए तो पहले ही से 4 लिखा है, तो ए हो सकता है, लेकिन ए और सी नहीं बन सकते। ए और सी जिनका डिनोमिनेटर 4 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? जल्दी बताइए, नहीं आ सकते, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट,
ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है ना। इसका डिनोमिनेटर मैंने 4 नहीं बना पाया, इसका नहीं बना पाया, लेकिन इन दोनों का बना दिया। देखो ये पहले से 4 है और इसका मैंने बना के दिखा दिया 4, समझ गए ना बात। नेक्स्ट देखिए 16 वाला, देखिए ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल, कौन सा रेशनल नंबर इक्वल है। मैं ए वाला देखता हूं पहले, -12/16 क्या ये दोनों इक्वल है आप बताइए, इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या, न्यूमिनेटर भी सेम है क्या, तो ये नहीं होगा। बी वाला देखते हैं, -15/20 एंड 35/30। मैं इन दोनों को काटता हूं, 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा, क्या ये दोनों इक्वल है। इधर आया 3/4, इधर आया 5/6, 3/4 5/6 नहीं है। अच्छा मैं सी वाला करता हूं, सी वाले में है -8/24 एंड -7/21, 8 बन जा 8 और 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, 1/3 1/3 दोनों साइड आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, मैं करा रहा हूं 17 वाला देखना, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग ऑर्डर रेशनल नंबर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर दिस फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े में लिखना है। आपका लिखा क्या है, एक्स एक्स अपॉन 5, एक्स अपॉन 8, एक्स अपॉन -8, एक्स अपॉन -6, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन -4। इधर एक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने छोटा सा बड़ा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटा जब न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, नंबर छोटा होता है। तो बताइए इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इन सब में सबसे, नहीं नहीं एक्स अपॉन 8, क्या बोलेंगे एक्स अपॉन, फिर कौन सा होगा, फाइव, वेरी गुड, फिर कौन सा होगा, वेरी गुड, फिर, वेरी गुड, फिर एक्स अपॉन, नहीं 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 एक्स अपॉन -4, फिर सॉरी बेटा गलत कर दिया, पहले आपको छोटा नंबर लिखना है ना, तो सबसे छोटा वही नेगेटिव, नेगेटिव वाला सबसे छोटा होगा ना, तो नेगेटिव में सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एक्स अपॉन -8, फिर एक्स अपॉन हाँ नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं बेटा गलत कर रहे हो, पहले एक्स अपॉन -4 सबसे छोटा होगा, फिर -6 सबसे छोटा होगा, फिर एक्स अपॉन -8 सबसे छोटा होगा, फिर एक्स अपॉन 8 छोटा होगा, फिर एक्स अपॉन 5 होगा, फिर एक्स अपॉन 2 होगा, हाँ बोलो बेटा, हाँ ठीक है, फिर एक्स अपॉन 1, हाँ बोलो बेटा,
देखो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होता है, लेकिन ये अपॉन में है। अपॉन में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है, जो जो सबसे छोटा होता है अपॉन में, अपॉन में, अपॉन में जो सबसे छोटा होता है वही रियल में छोटा होता है, नेगेटिव में। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसको, या मैं आपको कल करवा दूंगा और अच्छे से, है ना? ओके ओके।